सबने अभी हमारा जर्नी अभी स्टार्ट कर दिया है। आज है संडे और आज इस नए ब्लॉग में आपको हम लोग घुमाने ले जाएंगे उत्तराखंड के सबसे बड़े मिस्टीरियस प्लेस यानी रॉबर्ट्स केव या गुच्छू पानी में। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं गुच्छुपानी या रॉबर्स केव, तो आगे आपको दिखाएंगे अंदर का नज़ारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंदर जाते ही आपको एक साइन बोर्ड दिखने को मिलेगा जहाँ पे आप रॉबर्स केव के बारे में पूरा डिटेल पढ़ सकते हो, पूरा हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हो। रॉबर्स केव के अंदर पानी की वजह से अंदर स्लीपर ही हो जाता है, जिस वजह से आपको स्लीपर या फिर चप्पल लेना पड़ता है बाहर से। यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स दिखने को मिलेगी जहाँ पे आप लोग, आपको लॉकर मिलेगा जहाँ पे आप बैग वगैरह, आप वॉलेट वगैरह रख सकते हो, जहाँ से आप चप्पल वगैरह ले सकते हो। ये मेन एंट्री गेट और यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा टिकट। टिकट का रेट है 25 रुपीज पर पर्सन इंडियन। तो अगर मैं रिकमेंड करूँगा कि एंट्री गेट के अंदर जाके आप वहाँ पे ही एक साथ आप चप्पल वगैरह लीजिए। सो गाइस, जैसे ही आप लोग एंटर करोगे आपको दिखने को मिलेगा, एक लेफ्ट साइड में दिखने को मिलेगा आपको एक पार्क जहाँ पे कैमल वगैरह है, जहाँ पे आप लोग राइडिंग कर सकते हो, बच्चों के लिए पार्क है। और यहाँ पे आपको मिलेगा थोड़ा सा फूड के लिए जो एरिया है, जहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो, चिल मार सकते हो। वहाँ पे खाने पीने का, फास्ट फूड का वो सारा कुछ दिया हुआ है। सो गाइस, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर आपको बताए तो इसको रॉबर्स केव या फिर डकैतों का गुफा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्रिटिश टाइम पे यहाँ पे डाकू सुल्ताना करके एक डाकू हुआ करते थे, जो ब्रिटिश से छुपने के लिए या फिर सारा कुछ लेके आके छुपा करते थे यहाँ पे। इंडिपेंडेंस के बाद इस जगह को तोड़ के गवर्नमेंट ने यहाँ पे टूरिज्म प्लेस को डेवलप किया है, जो जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट का गैदरिंग होती रहती है और यहाँ पे मानसून के सीज़न में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं। मिलेगा आपको बहुत सारे पानी का सोर्स और वो नेचुरल फाउंटेन वगैरह मिल जाएंगे आपको अंदर। ये गुफा बेसिकली पूरा का पूरा लाइमस्टोन से बना है और नॉर्मली देखा जाए तो 600 मीटर इसका लेंथ है। सबसे लास्ट जो एरिया है वहाँ पे मिलेगा आपको बहुत सारे फाउंटेन्स और पानी के फव्वारे वगैरह, जहाँ से नेचुरल पानी का सोर्स है। यहाँ पे आप लोग नहा सकते हो, चेंज वगैरह कर सकते हो। और अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो ऊपर दिखेगा आपको एक शॉप, और यहाँ पे ऊपर जो एरिया है वहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह है और कई जगह पे सीढ़ियाँ वगैरह नहीं है। तो ऊपर अगर आपको भूख लगे तो आप लोग ऊपर कैंटीन में खाना वगैरह खा सकते हो, और नीचे आप लोग आए तो यहाँ पे आप नहा सकते हो। I let you get to me once now, baby, but I'll never let you win again. I let you get to me. Ah.
हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा कॉन्टेंट आपके लिए बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू।